तो टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अलग है, अल्टरनेटिंग करंट्स अलग है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर सबसे पहले अगर हम पिछले यूनिट की बात करें मैग्नेटिक इफेक्ट्स में, तो हमने क्या स्टडी किया था कि अगर आपके पास कोई करंट कैरिंग लूप है, मान लो एक लूप है जिसमें करंट है और वो किस में पड़ा हुआ है, इन मैग्नेटिक फील्ड, तो उसमें क्या जनरेट होगा, टॉर्क जनरेट होगा। तो करंट कैरिंग लूप व्हेन लाइंग इन मैग्नेटिक फील्ड विल जनरेट अ टॉर्क। इस चैप्टर में, इस टॉपिक में उल्टा है, कैसे आप टॉर्क जनरेट करेंगे, आप घुमाएंगे कॉइल को और कॉइल किस में पड़ी होगी, मैग्नेटिक फील्ड में, और कॉइल में क्या जनरेट हो जाएगा, करंट। उल्टा काम है, इसमें पहले हम करंट खुद देते थे कॉइल को, मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा होता था कॉइल और वो घूमता था, इस बार हम घुमाएंगे मैग्नेटिक फील्ड में, करंट अपने आप पैदा होगा, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की स्टार्टिंग के अंदर द फिनोमेना ऑफ जनरेटिंग करंट या EMF, करंट को जनरेट करना या EMF को जनरेट करना, बाय चेंजिंग नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब ये स्टेटमेंट आगे चलने से पहले हमें सीखना पड़ेगा कि ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या हैं। हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स तो स्टडी की हुई है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टडी करने के लिए हमें क्या सीखना पड़ेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या चीज़ है, इट इज़ टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग अ गिवन एरिया परपेंडिकुलरली। तो अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन देखें, सेम है जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स की है, तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग अ गिवन एरिया परपेंडिकुलरली इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने का मेथड वैसा ही है जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था, E.ds, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, B.ds। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो इसमें जो यूनिट्स हैं फ्लक्स के वो क्या है, वेबर, और वन वेबर, क्योंकि फ्लक्स किस में है, वेबर में, बी किस में, टेस्ला में, और ये किस में, एरिया किस में, मीटर के स्क्वायर में। तो वन वेबर, वन टेस्ला, मीटर स्क्वायर, कभी कभी वन टेस्ला को लिखा जाता है वन वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। तो सीजीएस यूनिट जो है वो क्या है इसमें, मैक्सवेल, और वन वेबर किसके इक्वल है, 10^8 मैक्सवेल। क्लियर है यहाँ तक? तो अब हम वापस चलते हैं अपनी डेफिनेशन पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको आगे डिफाइन करने से पहले एक चीज़ को समझें। मान लें इस तरफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, इस तरफ आपका मैग्नेटिक फील्ड है, तो मान लो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, नॉर्थ से साउथ, तो यहाँ पर लाइन्स ही लाइन्स हैं, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स हैं। ये कॉइल पड़ा है बीच में, ये कोई भी कॉइल पड़ा है, तो यहाँ पर इस ओरिएंटेशन में फ्लक्स मैक्सिमम है, क्योंकि मैक्सिमम लाइंस परपेंडिकुलर इसमें से क्रॉस करेंगी। जब मैं इसे रोटेट करूँगा तो नंबर ऑफ लाइंस अब कम क्रॉस करेंगी परपेंडिकुलरली, करते 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 जीरो, तो इस ओरिएंटेशन में फ्लक्स क्या है, जीरो। फिर फ्लक्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। फिर फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो फ्लक्स बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, मैक्सिमम, कम 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 करते करते जीरो, फिर करते करते मैक्सिमम, फिर जीरो। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर ये कॉइल इसमें रोटेट करता है तो फ्लक्स इसमें कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, तो इस बढ़ना और कम होने को हम नाम देते हैं चेंजिंग। तो फ्लक्स क्या हो रहा है इसमें, चेंज हो रहा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये बोलता है कि जब भी किसी भी कंडक्टर का फ्लक्स चेंज होगा, चेंज कैसे होगा, जब उसमें मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या करेंगी, चेंज होंगी, तो फ्लक्स चेंज होगा, तो इसमें EMF या करंट जनरेट होगा अपने आप। तो यही समझा रहे, फिनोमेना ऑफ जनरेटिंग करंट या EMF बाय चेंजिंग, क्या चीज़ चेंज करनी है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स का नंबर को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कंडक्टर इज कॉल्ड EMI। तो अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है, चेंज में इट कैन इंक्रीज, चेंज में इट कैन डिक्रीज, बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। तो चाहे फ्लक्स बढ़े, चाहे फ्लक्स कम हो, तो कंडक्टर के अंदर EMF पैदा या करंट पैदा होगा ही होगा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इसको आगे करने के लिए सबसे पहले क्या सीखना पड़ेगा, फैराडेज लॉ।